हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महोबा जनपद का निवासी अपने आप को आईएएस अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्जी आईएएस अपने किसी मित्र की जमीन को परमिशन दिलाने के लिए एसडीएम खुर्जा के पास आया था, जो खुद एक आईएएस ऑफिसर है। एसडीएम को जब व्यक्ति के आईएएस होने पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस बुलवाकर उसको थाने भेज दिया। पुलिस और मजिस्ट्रेट की जांच में सारा मामला फर्जी साबित हुआ और आरोपी से एक फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुआ। फर्जी आईएएस को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ये है फर्जी आईएएस काली चरण। इनकी आईडी कार्ड पर इनका नाम यही लिखा है और इनका वास्तविक नाम भी यही है। आईडी कार्ड पर इनका पदनाम एडीएम लिखा है, साथ ही यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा है। ये कार्ड इन्होंने क्लोन कर फर्जी तरीके से बनवाया है, जो कि आईएएस का होता ही नहीं है। इन्होंने अपने आप को उत्तरांचल कैडर का आईएएस बताया। नहीं सर, मैंने मैम से जो मेरी बात हुई वो चाचा जी के लिए, वो जमीनी उस पर उन्होंने मैंने उनके बताया मैम मेरा अपियर्ड है। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं अभी प्रेजेंटा में पोस्टेड हूँ या वो कार्ड। सर देखिए, वो ऐसा है वैसे कार्ड मेरा मतलब वो वहीं से ही था, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहाँ से था वो कार्ड? वो स्कैन करके जहाँ सेंटर से बनता है सर, वहीं से ही था। एडीएम का सीधा? सर इसमें एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बेस पे जो है होता है। तो नहीं तो कहाँ पोस्ट रहे आप एडीएम के पोस्ट पर? सर हरिद्वार जो है बताया था, हरिद्वार। ये व्यक्ति अपने एक मित्र की जमीन में लग रही आपत्ति को दूर कराने के लिए एसडीएम खुर्जा के पास फर्जी आईएएस बन कर आया था। खुर्जा की उपजिला अधिकारी ईशा प्रिया खुद आईएएस अधिकारी हैं। उनसे जब इसकी वार्ता हुई तो उन्हें शक हो गया कि ये कोई फर्जी व्यक्ति है। पूछताछ करने के दौरान ही उन्होंने पुलिस को बुला लिया और थाने भेज दिया। थाने में सीओ खुर्जा गोपाल सिंह ने इनसे पूरी जानकारी और कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बता दिया कि वो फर्जी तरीके से इम्प्रेशन मार रहा था और वर्तमान में वो गाजियाबाद में रह रहा है। फर्जी आईएएस महोबा का रहने वाला है। इनके पिता का नाम सुंदर लाल वर्मा है। कि फर्जी आईएएस के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। आज सुबह एक व्यक्ति कालीचरण नाम के व्यक्ति, जो मूलतः रामनगर महोबा के रहने वाले हैं, वर्तमान में प्रताप विहार कॉलोनी विजयनगर गाजियाबाद में रहते हैं, उनके द्वारा जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम खुर्जा से संपर्क किया गया। किसी काम के लिए पहले दूरभाष पर वार्ता की गई। संदेह होने पर जॉइंट मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ संदेह किया गया और उसे डिटेल कुछ मांगा गया, तो उसमें वो अपना डिटेल बता नहीं पाए। बुलाने पर उनके द्वारा सही चीज़ें नहीं बताई गई। फिर इंस्पेक्टर कोतवाली खुर्जा को एसडीएम साहब ने निर्देशित किया, उसे बुला करके कड़ाई से पूछताछ की गई। उसका जो आइडेंटिटी कार्ड है प्रथम दृष्टया वो देखने पर ही फर्जी लग रहा है, जिसमें उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड और यूपीएससी कुछ लिखा है तो, और एडीएम हरिद्वार के रूप में है। 2017 बैच का आईएएस बता रहे हैं अपने आप को, उत्तराखंड कैडर के। उत्तराखंड कैडर में जिन लोगों का नाम है 2017 का आईएएस में, उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं है। कड़ाई से पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने कबूल दिया। वो अपने किसी साथी जो गाज़ियाबाद के ही सर्वोदय नगर का रहने वाला है, महेश नाम का, उसके किसी रिश्तेदार के काम की पैरवी के लिए आए थे, जो वहाँ मूड़ा खेड़ा तहसील खुर्जा का रहने वाला है। अब चूँकि प्रकरण ओपन होने के बाद कड़ाई से पूछताछ की गई, अब इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फर्जी आईएएस की खबर जनपद भर में आग की तरह फैल गई। प्रशासनिक अधिकारी भी सख्ते में आ गए और पूछताछ में जुट गए। उत्तरांचल कैडर के 2017-18 बैच के सभी आईएएस का नाम पता खंगाला गया तो काली चरण नाम के किसी व्यक्ति का आईएएस होना नहीं पाया गया। उसके बाद आरोपी खुद भी सच्चाई उगल गया और सब बताने लगा कि उसने ये काम अपने दोस्त की जमीन में आ रही आपत्ति को हटाने के लिए किया था। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टॉप
टाइम 24 न्यूज़ जज्बा सच दिखाने का।